नमस्कार जय जगन्नाथ, आपण मानक स्वागत। आज ये भिडियो में आपण मानक 15 गुरुत्वपूर्ण खबर विषय में जनईबी। जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगे प्लीज लाइक करेंगे, सेयार करेंगे और सब्सक्राइब करने को भूलें। तेज चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, 10 रे 4 जिले में होपे प्रबल वर्षा। दक्षिण आंडामान सगर और पार्श्वर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसगर अंचल सृष्टि होता लघुचाप 7 तारीख में अवपात और 8 तारीख संध्या सुधा बात्यार रूप नेबार संभावना रही। यहपर बात्या उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 10 तारीख सुधा यह पश्चिम केन्द्रीय और पार्श्वर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसगर उत्तर आंध्रप्रदेश और ओडिशा उपकूल केन्द्रीभूत हो। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर् जारी करा बुलेटिन में कहुई संभाव्य बात्यार प्रभाव में 10 तारीख में उपकूल ओडिशार अनेक स्थान में स्वल्प मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही। सहित 4 जिला गंजाम खोर्धा पुरी और जगतसिंहपुर गोटे बा 2 स्थान में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर् कहुई। संभाव्य बात्या प्रभाव में 9 तारीख में केन्द्रीय बंगोपसगर में समुद्र अशांत रहीपर 10 तारीख में पश्चिम केन्द्रीय पार्श्वर्ती उत्तर पश्चिम एवं पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल में समुद्र अशांत रह। 9 और 10 तारीख में केन्द्रीय बंगोपसगर और 10 तारीख में उत्तर पश्चिम बंगोपसगर अंचल को मत्स्यजीवी मानक प्रवेश संपूर्ण भाव बारण कर। नंबर 2, कालबैशाखी। 14 जिला को येलो वार्निंग जारी। घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगर बहब घूर्णिझड़। 24 घंटा मध्य अर्थात 7 तारीख शनिवार अपराह्न सुधा राज्यर सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, गजपति, गंजाम और रायगढ़ जिलार गोटे किंवा 2 स्थान में कालबैशाखी जनित वर्षा और वज्रपातर संभावना रही। कालबैशाखी समय यही सब जिले में घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगर घूर्णिझड़ होबार संभावना रही। सेहिपर एही समय मध्य उपकूल ओडिशार जिला समेत देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में वज्रपातर आशंका रही। दृष्टि रखि यही समस्त जिला येलो वार्निंग जारी करने कालबैशाखी समय पदा को न बाहर लोक परामर्श देती पाणीपाग केन्द्र। नंबर 3, 493 कोटी टंकार 6 शिल्प प्रकल्प को सिंगल विंडो मंजूरी। राज्य में 493.62 कोटी टंकार 6 शिल्प प्रकल्प को राज्यस्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेन्स अथॉरिटी अनुमोदन मिली। यह प्रकल्प गुड़िक कार्यक्षम हेले अतिरिक्त 1317 जन को कर्मनिजुक्ति मिले। मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र अध्यक्षतार आज अनुष्ठित राज्यस्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेन्स अथॉरिटी बैठक में जाजपुर कलिंगनगर में 125 कोटी टंका व्यय जटिया स्टील द्वारा रड तैयारी कारखाना स्थापन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। एथिरे 150 लोक को प्रत्यक्ष निजुक्ति सुजोग मिले। से हीपरि अन्य जो प्रकल्प गुड़िक आज अनुमोदन मिली से षडंगी मेटाल वर्क्स इंटरनेशनल प्रा लिमिटेड द्वारा कलिंगनगर में 65.37 कोटी टंका व्यय स्टील सामग्री निर्माण करा सामिल रही। प्राय 568 जन को निजुक्ति सुजोग मिले। से हीपरि सोनपुर में 2.5 मेगावाट पावर प्लांट सह इथेनॉल प्लांट स्थापन पर जेएस वेंचर्स प्राय 121 कोटी टंका व्यय कर 114 जन को निजुक्ति सुजोग मिले। नंबर 4, प्रोफेसर गीतांजलि दास ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय कुलपति निजुक्त। प्रोफेसर गीतांजलि दास ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय कुलपति निजुक्त होती। ओडिशा यूनिवर्सिटी आक्ट 1999 धारा रे दी जाता क्षमतार व्यवहार में राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल प्रोफेसर गीतांजलि दास को ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय कुलपति भाव निजुक्ति देखते। नंबर 5, दक्षिण यूक्रेन सरकार। रातिक 600 रु अधिक यूक्रेन सैनिक निहत। यूक्रेन विभिन्न सामरिक प्रतिष्ठान को टार्गेट कर रूस गत राति सारा भयंकर आक्रमण कर रूस तुहा को तुहा क्षेपणास्त्र माड़े रातिक 600 यूक्रेन सैनिक निहत होती। रूस प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्ष स्पष्ट कर रूस दक्षिण सहर माइकोलेव एक विशाल गोला बारूद गोदाम और कानाटोव एयरफिल्ड आक्रमण कर गत राति आक्रमण में 61 सामरिक यूनिट 15 इंधन गोदाम ध्वंस होता यूक्रेन स्वीकार कर रूस एभली आक्रमण को क्षेपणास्त्र आतंकवाद बोली यूक्रेन दर्शाई। यूक्रेन विदेश मंत्री डिमिट्रो कुलेबा कहते यूक्रेन में भय सृष्टि करने रूस क्षेपणास्त्र आतंकवाद कौशल अवलंबन कर। नंबर 6, 97% अफगानिस्तानवासी भोकरे आउट पाउट। अधारु अधिक अफगानिस्तानवासी एवं उत्कट खाद्य संकट जनित भोकरे आउट पाउट होतेबल कि 97% लोक दिन में 2 बेला 2 वक्त खावाक मिलूनी। यही देश में प्राय 22 मिलियन 2 कोटी 20 लक्ष लोक खाद्य अभाव जनित हीनस्था होती। आमेरिका पक्षर एने रिपोर्ट प्रकाश पर संपूर्ण विश्व में एवं आलोचना जोर धरी। खामा प्रेस पक्षर यह रिपोर्ट प्रस्तुत हो 2020 सेप्टेम्बर पर एभली समस्या धीरे धीरे उत्कट हो प्राय 14 मिलियन लोक अनाहार कालातिपात कर। गत वर्ष अगस्ट ठार् तालिबान आफगानिस्तान को निज दखल नेबापर एठार खाद्यशस्य दर आकाशछुआ होती। लोकों आय प्राय 3 गुणा ह्रास पाई। एने विश्व बैंक रिपोर्ट उपर आफगानिस्तान
एक गणमाध्यम खबर प्रकाश पाई। नंबर 7, ट्विटर सीईओ भाव काम करेंगे एलन मस्क। विश्वर सबुठारु धनी व्यक्ति तथा टेस्लार सीईओ एलन मस्क सोशल मीडिया प्लाटफर्म ट्विटर सीईओ भाव मध्य काम करिपारंती। से अस्थायी भाव अर्थात नुआ सीईओ निजुक्ति हेबा जाए यह पदर रे। यार अर्थ पांचमस तले ट्विटर सीईओ होता पराग अग्रवाल को एलन मस्क यही पदर हटाई एक प्रकार निष्पत्ति सारी। तेज ट्विटर को किणवाई एलन मस्क कर 44 बिलियन डिल फाइनाल होगा पर ही से सीईओ हो पारे। नंबर 8, जम्मू काश्मीर मध्य अनुप्रवेश 200 पाक आतंकवादी सुजोग अपेक्षार अच्छा सेना। उत्तर सेना कमांडर लेफ्टनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी शुक्रवार दिन कहते संप्रति पाक आतंकवादी मानक देश मध्य अनुप्रवेश बहु परिमाण ह्रास पाई। तथापि वर्तमान 200 अधिक पाक तालीमप्राप्त आतंकवादी जम्मू काश्मीर मध्य अनुप्रवेश सीमांत आरपटे सुजोग अपेक्षा रही सेना गुइंदा सूचना पाई। फेब्रुआरी 2021 चुक्ति पर भारत पाक सीमार अस्त्रविरति भल कार्य करुच्ची जेनेल उपेन्द्र द्विवेदी दृढ़ोक्ति प्रकाश करते से कहते जे स्थानीय आश्रयस्थल और समर्थन अभाव चलित बर्ष एपर्तंत 21 जन विदेशी आतंकवादी को भारतीय सेना निपात करी। एवं जम्मू काश्मीर में तालीमरत आतंकवादी संख्या ह्रास पाई। नंबर 9, ताइवान रे हाई अलर्ट अनुप्रवेश कले 18 चीन लड़ुआ विमान। ताइवान और चीन मध्य पुणी उत्तेजना देखाई। चीन रतेक लड़ुआ विमान पुणी थे ताइवान एयर डिफेन्स सीमा मध्य अनुप्रवेश कर। ताइवान F-16 लड़ुआ विमान गुड़िक उड़ाण भरी चेतावनी देवापे चीन विमान गुड़िक फेरी जा। मिलता सूचना अनुसार प्राय शुक्रवार दिन 18 चीन लड़ुआ विमान ताइवान वायु प्रतिरक्षा क्षेत्र मध्य अनुप्रवेश करते। सबू विमान को ताइवान विमान गुड़िक घोड़े भी ताइवान रे हाई अलर्ट जारी करा जाए। गत वर्ष अक्टोबर मासरे भी चीन रे प्राय 54 विमान अनुप्रवेश करते। नंबर 10, COVID-19 संकट जो 2023 जाए स्थगित रहा हैंगजो एशिय क्रीड़ा। चलित बर्ष सेप्टेम्बर मासरे चीना नगरी हैंगजो रे हेबाकु थिबा एशिय क्रीड़ा 2022 को COVID-19 महामारी कारण 2023 पर्यंत स्थगित रखा जाइथिबा कथा आज संवाद सरबराह संस्थान रॉयटर्स कही। चलित बर्ष प्रारंभ में बेजिंग रे चीन शीतकालीन ओलंपिक्स आयोजन करिवारे सफल होइतले भी एशिय क्रीड़ा स्थगित रखापी निष्पत्ति ग्रहण करिछि। सूचना योग्य 2022 फेब्रुआरी कठोर COVID-19 प्रोटोकल जारी करा जाई वृद्ध दर भितर क्रीड़ा प्रदर्शन करा जाइतला। नंबर 11, भारत अमेरिका परे ब्रिटेन केन्द्रीय बैंक बढ़ाइला सुध। भारत एवं अमेरिकार केन्द्रीय बैंक शुक्रवार सुध हार वृद्धि करिछन्ति। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो हार 0.40% एवं अमेरिकार फेडरल रिजर्व 0.50% वृद्धि घोषणा करने पर बैंक ऑफ इंग्लैंड आज सुधहार 0.25% वृद्धि करी। फल 1% पहुंची। बैंक ऑफ इंग्लैंड मुद्रा नीति निर्धारकों मध्य तीन जन सुधहार 0.50% वृद्धि मत देते कि 6 जन सदस्य 0.25% वृद्धि मत देवर यह वृद्धि कर। भारतीय रिजर्व बैंक रेपोहार और CRR बढ़ावापर ICICI बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा सुधहार वृद्धि घोषणा करिछन्ति। नंबर 12, माइंडट्री और L&T इन्फोटेक मध्यरे मिश्रण हेबो सृष्टि हेबो देशर पंचम बृहत्तम IT कंपनी। L&T अधीनस्थ दुईट प्रमुख IT कंपनी L&T इन्फोटेक और माइंडट्री मध्यरे मिश्रण हेबो। शुक्रवार दिन बसीथिबा ए दुई कंपनीर बोर्ड बैठक रे ए संपर्कित प्रस्ताव को मंजूर मिली। एही मिश्रण पर सृष्टि हेबाक थिबा कंपनी LTI माइंडट्री नामरे परिचित हेबो ओ एहा देशर अन्यतम बृहत आईटी कंपनी रे परिणत हेबो। मार्केट कैपिटलाइजेशन बा बजार पूंजी अनुसार एहा देशर पंचम बृहत्तम आईटी कंपनी रे परिणत हेबो। एही मिश्रित कंपनी रे मोट 80,000 कर्मचारी काम करुछन्ति। डीसी चटर्जी एही कंपनी रो मुख्य हेबे। आसंता 9-12 मास मध्य रे एही मिश्रण प्रक्रिया संपूर्ण करबाकु कंपनी लक्ष्य रखिछि। एही मिश्रण प्रक्रिया संपादन पई L&T एक स्टीयरिंग कमिटी गठन करबाकु घोषणा करिछि। नंबर 13, फेरिला कोरोना संक्रमण स्थगित हेला एशियन गेम्स। पुणि थरे कोरोना भाइरस रो तार काया विस्तार करबा आरंभ करिछि। विशेष करी कोरोना रो उत्पत्ति स्थल कुहा जाउथिबा चाइना रे संक्रमण उपर हो दृष्टि रखी आसंता सेप्टेम्बर मसने चाइनार हैंगजोर होगा एशियन गेम्स 2022 को अनिर्दिष्ट काल स्थगित कर। अवश्य चाइना पक्षर एशिया गेम्स स्थगित होबार कारण कि भी कहुए किंतु एवं चाइनार संक्रमण बढ़ुवरी पदक्षेप निजाई। एशियन गेम्स वेबसाइट प्रकाशित बृत्ति में कहुई एशियार ओलंपिक परिषद घोषणा करुच्च सेप्टेम्बर 10-25 तारीख जाए चाइनार हैंगजोर अनुष्ठित होबाकु थिबा 19तम एशियन गेम्स को एबे स्थगित करा जाउछि। एही क्रीडा महाकुंभ केबे हेबो तार तारीख परवर्ती अवस्था रे घोषणा करा जिवो। नंबर 14, 24 घंटा रे देश रे 3545 COVID-19 आक्रांत 27 जन मृत। शुक्रवार सकाळ 8टा सुद्धा समग्र देश रे
24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3545 କରୋନା ଭାଇରସ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଓ 27 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 3545 ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,30,94,938 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଥିବା 27 ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ COVID-19 ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,24,002 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା 3,589 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4,25,51,248। ଏହାଛଡ଼ା ଏବେ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 19,688। ନମ୍ବର 15, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 14 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, 2 ଜଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 14 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ପଜିଟିଭ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ କିଶୋର ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।